मिराज विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, सुखोई के डेटा रिकॉर्डर का भी एक हिस्सा मिला। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बीते दिन दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के लड़ाकू विमान मिराज 2000 का ब्लैक बॉक्स और सुखोई 30 विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का एक हिस्सा मलबे से मिला है। भारतीय वायुसेना IAF के दो फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान शनिवार को एक अभ्यास मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, जिसमें एक विंग कमांडर की मौत हो गई। इस हादसे में दो अन्य पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। मिराज विमान का ब्लैक बॉक्स मिला पहाड़गढ़ इलाके में मिराज विमान का ब्लैक बॉक्स मिला पहाड़गढ़ इलाके में मिराज विमान का ब्लैक बॉक्स मलबे से मिला है। मुरैना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने फोन पर न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि सुखोई विमान के ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा भी मिल गया है और रिकॉर्डर का शेष हिस्सा भरतपुर में गिरने की आशंका है। उन्होंने कहा कि वायुसेना, पुलिस और अन्य विभाग सुखोई विमान रिकॉर्डर के शेष हिस्से की तलाश कर रहे हैं। अधिकारियों ने पहले कहा था कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोनों विमानों के टकराने की आशंका, रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यह संभावना है कि रूसी डिजाइन किए गए सुखोई 30 MKL जेट और फ्रांसीसी मिराज 2000 के बीच हवा में टक्कर हुई हो। हालांकि भारतीय वायुसेना की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। एक उड्डयन विशेषज्ञ के अनुसार यह पहला मिराज 2000 और सुखोई 30 MKL विमान था जिसे भारतीय वायुसेना ने हवा में हुई टक्कर में खो दिया है। मुरैना में बीते दिन दुर्घटना, बता दें कि दोनों लड़ाकू विमानों की दुर्घटना के बाद मलबा MP के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके में गिरा। हालांकि कुछ मलबा राजस्थान के भरतपुर में भी गिरा है जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। गौरतलब है कि सुखोई 30 MKL एक ट्विन सीटर कॉम्बैट जेट है, जबकि मिराज 2000 फ्रांसीसी एयरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित एक सिंगल सीटर विमान है। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी।